बहुत साथियों ने आज जो सेवानिवृत्त शिक्षकों को विदाई समारोह में लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, यह सत्य है कि जो इस धरती पर आया है उसको एक दिन तो जाना है। चाहे जिस क्षेत्र में हो, प्रकृति पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही उसका एक दिन विदाई होना है। यहाँ अमर होकर के कोई नहीं आया है, सिर्फ अमर रह जाती है तो सिर्फ नंदलाल बाबू उसका काम, सिर्फ काम रह जाता है। तो जो भी आज सेवानिवृत्त जो शिक्षक हुए हैं वो तो विदाई लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने काल में क्या दायित्व का निर्वाहन जैसा किया होगा, अगर बच्चों के प्रति लोगों के प्रति अगर सही ढंग से दायित्व का निर्वाहन किया होगा तो उनके जाने के बाद विद्यालय के जो भी शिक्षक या प्रभारी या बच्चे होंगे वो कहेंगे कि बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छा लोगों को गाइडेंस किया, शिक्षा दिया। उसी तरह से जो भी शिक्षक आज विदाई लिए हैं तो विदाई चले जाने के बाद उनकी यादें रह जाएगी, जैसा लोगों के बीच में अपना दायित्व का निर्वाहन किया होगा वैसा लोग चर्चा करेंगे, चाहे कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र। आदमी आया है तो उसको जानना ही है उसको, लेकिन जाने के बाद में उसकी यादें रह जाती है। ट्रेन के लेकर सर हम पिछले बार यहाँ सवाल किए थे, ट्रेन अब तक ट्रेन रुक नहीं रहा है। हमको आप लोगों की बात को लेकर आप लोग मालूम है, मीडिया के लोग आप लोगों से जानकारी है कि पार्लियामेंट में भी इसके लिए आवाज़ उठाया है, DRM से भी, मंत्री से भी मिला है, जो भी ट्रेन से संबंधित बातें हैं कि कोरोना काल से जो भी ट्रेनें पहले चल रही थी जहाँ जहाँ रुकती थी उसको सुचारू रूप से परिचालन किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक से नहीं हो पाया है। उसके लिए देखिए बहुत सारे चीज़ें, नवीन नगर में रुकने के सवाल था या कोढ़ा में रुकने का सवाल था, हसमुख नगर में है बात तो लगे हुए हैं, आगे चल के NTPC में अभी तक लोकल का काम नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ बाहरी को भाड़ा जा रहा है। बाहरी कौन, बाहरी ना पता लगे इसी नहीं सर, जिसका सर जमीन गया है किसी को नहीं जॉब दिया जा रहा है, तो बाहरी आदमी किसी को पता लगे, बाहरी जो भी लोग निकाल बाहर किया गया है किसी से निकाल बाहर। और जो है ये नहीं है कि जो स्थापित लोग हैं अगर वो इंजीनियर लायक नहीं है, जो जिस लायक जो है उनको काम पर रखा जा रहा है, NTPC में जा करके शिकायत नहीं है, सारे उस पंचायत के प्रतिनिधि लोग किस तरह कहीं बात कोई आवाज नहीं। जो राह गाड़ी के लिए बोले थे कि इसका समस्या का हम समाधान करवाएंगे, अभी भी सर गाड़ी जा रही है, राह गाड़ी लाद कर ओवरलोडेड जा रही है, तो उस पर नहीं गिरते जा रहा है सर, अभी भी किसी भी पब्लिक जनता से पूछ लीजिए बारे में। और एक जो सर चंद्र विकास ठाकुर रोड जो है सर, NTPC रोड से हाईवे पर जुड़ती है, बीच में सर ब्रेकर दे दिया गया है जिसके चलते सर शादी ब्याह जो होता है किसी का तो गाड़ी घुमा कर आना पड़ता है, अगर सर उस रोड पर चालू कर दिया जाए तो जो ट्रक गाड़ी है जो ओवरलोड गाड़ी है उस रोड से होकर गुजरेगा। क्यों लगा है इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण होगा, और बालू गाड़ी को रोकने के लिए कारण होगा कि उस रास्ते से बालू की चोरी हो, तो बालू की चोरी रोकने के लिए सर किसी रोड पर जाम कर दिया जाएगा। चलिए तो इससे छोटी गाड़ी जाने के लिए नहीं, कोई भी गाड़ी नहीं, बाइक भी नहीं जाता है ऐसा, तो बीचे बीच हम इतना हाइट पर टेक दिया गया है, चंदा से नहीं लाया जाता। जरा सा अगर उठाएगा बिलोरो वगैरह पार करेगा तो ट्रैक्टर पार हो जाता है, इसके चलते सही बात है सर बालुओं की चोरी के लिए रोका गया है। तो सर आम आदमी को तो परेशानी हो रही है, कल शंकरपुर में ओवर रोड गाड़ी घुसा दिया, लिंक रोड में भाव दिया हुआ था, भाव भस गया, टूट गया है। और सर एक चीज से और रूबरू कराना चाहेंगे, 16 से सर एक योजना आया था नल जल योजना, हर घर को नल जल पहुंचा देना था, तो कहीं ना कहीं अभी भी उस योजना का एक ग्राउंड जीरो पे सर नहीं उतारा गया, उसमें सर कहां कमी रह गई। देखिए उसके लिए तो सरकार बहुत प्रयास कर रही है, इतनी अच्छी योजना थी, इतना अच्छा योजना था कि सर खराब पानी पीने से आदमी को तरह तरह की बीमारियाँ होती थी,
बिहार में डेंगू का भी प्रकोप सरकार ने सोचा कि हर घर हम लोग नल जल का योजना करेंगे तो शुद्ध पानी लोगों को पीने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे पंचायत प्रतिनिधि की कमी के चलते, लोग अफसरों की कमी के चलते वह योजना जमीन पर नहीं उतर सका था। तो फिर हम लोगों ने अभी पूरा जांच करवाया हर पंचायत के डीएम के स्तर से, मुखिया लोगों के लिए जहाँ जहाँ त्रुटि थी वहाँ वहाँ हम लोग के माध्यम से उसको काम कराने के लिए पैसा हम लोग दिए हैं। हम तो समझते हैं कि अब चालू हो जाना चाहिए कि कहीं अगर रुका उस वर्ग का है तो यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि उनकी कमी। और यहाँ पे आने वाला छठ पर्व है सर, कुछ दिन बाद तो छठ पर्व के लिए सर कहीं कहीं घाट का बहुत ज़्यादा समस्या है। चलिए अभी तो वही बता रहे हैं ना कि हर पंचायत में अगले आने वाले 3-4 साल में कोई ऐसा पंचायत नहीं रह जाएगा, कोई ऐसा गाँव नहीं रह जाएगा जहाँ छठ घर का निर्माण नहीं। अगले 3-4 साल में छठ पूरी तरह निर्माण, पूरी तरह से हर गाँव में नल जल, नल जल तो हो गया है, कहीं कहीं त्रुटि पंचायत के प्रतिनिधि की कमी से जहाँ जहाँ नल जल योजना चालू नहीं है छोटी छोटी कमी के चलते वहाँ हम लोग जाँच करवा के मुखिया के माध्यम से सब जगह पैसा भिजवाते हैं। अब तो पंचायती राज के तहत जिम्मेवारी के तहत पैसा दिया गया तो उन लोगों का काम है ना। के बीच में आने के बाद समस्याएं नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इनके बीच में समस्या है तो मिलती है और सुनने के बाद यह प्रतीत होता है कि सारी समस्या सही है, उसका निदान होना चाहिए। वैसे हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू की, यह अद्भुत योजना थी जिससे बालक और बालिकाओं की संख्या बराबरी पर आ गया, एक तरह का क्रांति हुआ। इसी तरह से शिक्षा में और भी ऐसे क्रांतिकारी काम हुए जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का शुरुआत किया गया, राज्य से बाहर बच्चों को शिक्षा पाने के लिए 4 लाख रुपए बगैर ब्याज के दिया जाता है और इसके लिए बड़ी राशि का भी प्रबंध किया गया और उसका ग्रांटर बैंक वगैरह नहीं है। बैंक कहा कि हमको तो ग्रांटर चाहिए, बिना ग्रांटर के हम पैसा देंगे नहीं। तो सरकार कहा कि हम ग्रांटर हैं, स्टूडेंट को ग्रांटर नहीं देना है। अब वो पढ़े नहीं पढ़े, नौकरी लगा या नहीं लगा, पैसा देंगे या नहीं देंगे, इस बात की चिंता न करते हुए सीधा सरकार ग्रांट कर दे। तो इसी तरह से अब हम लोगों को तो लग रहा था कि नियोजित हट गया, लेकिन अभी तो जैसा बता रहे हैं उसके अनुसार आपको कहता है कि आप राज्य के कर्मचारी नहीं हैं। गंभीर विषय है, माननीय सांसद जी इस पर चर्चा करेंगे और यहां नहीं चर्चा करेंगे, चर्चा जहां जगह है वहां करेंगे, यहां करने से कोई फायदा नहीं है, असली जगह पर होना चाहिए। आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और मैं साधुवाद देना चाहता हूं सांसद जी का कि जब ये पहले हुए थे सांसद तो सभी प्रखंडों में एक टाउन हॉल बनाने का काम किया, सभी प्रखंडों में
और इसके बाद अभी जब ये सांसद बने हैं तो ये भी ये यूनिक काम है कि सभी स्कूल में अस्पताल में ये आरओ प्लांट देने का काम ये कर रहे हैं। तो हजारीबागों का भी जो स्कूल है दे दीजिएगा कृपा करके, और वो भी बहुत मोड़ पर है, उसकी भी बहुत प्रगति हुई है। हजारीबागों अध्यक्ष तो हम ही थे, लेकिन हजारीबागों उस समय शिक्षा प्रेमी थे, बहुत प्रगति किए, समझे ना, और बड़ा मेन रोड पर है। और हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर है, इसलिए उसमें भी आरओ प्लांट होना चाहिए। माननीय सादर अभिनंदन, माननीय श्री महाबली सिंह 17वीं लोकसभा 35 काराकाट के संसद सदस्य जनता दल यूनाइटेड के कर्मठ सुयोग्य कर्तव्यनिष्ठ निर्वैज्ञ पहचान के धनी। आपका जन्म 20 अप्रैल 1955 ईस्वी को श्री नागेश्वर सिंह तथा माता यशोदा देवी के यहाँ हुआ। आपका जन्म गांव खीरी जिला कैमूर के वैभवपुर ऐतिहासिक तथा शक्तिपीठ माँ मुंडेश्वरी के अलौकिक छटा से उर्जस्वित भूमि पर हुआ। कृषि जीवन की पथरीली माटी को आपने कर्मशील फावड़े तथा हल बैल के भार से मिट्टी का सीना चीर अन्न जैसा बहुमूल्य रत्न को पैदा करने के साथ साथ दलित शोषित उपेक्षित जनमानस के भीतर जन क्रांति की मशाल प्रज्वलित कर उन्हें संगठित किया है। कुश वंश का गौरव तथा पुराने शाहबाद जो रोहतास भोजपुर बक्सर तथा कैमूर जिले के ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक विरासत का जीर्णोद्धार करने का कार्य भी आपने किया है। आप सदैव समाज के वंचित एवं शोषित वर्गों के लिए संघर्ष करते हैं। विषम परिस्थिति में भी सामाजिक न्याय के साथ समझौता कभी नहीं किया। आपका राजनीतिक सफर 1995 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा के चैनपुर सीट पर पहली बार चुनाव जीत से प्रारंभ हुई। आप 1995 ईस्वी से 2009 ईस्वी तक 4 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 2009 ईस्वी में आपने जेडीयू के टिकट पर काराकाट सीट जीतकर प्रथम बार लोकसभा पहुंचे तथा सरकार में रहते हुए कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी आप हैं। जेडीयू प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय तथा जल जीवन हरियाली के महत्व को जिस प्रकार आपने प्रभावी बनाने के लिए अपने क्षेत्र में जनसभाएं तथा जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाकर तथा सांसद मद से शुद्ध पेयजल आरो विद्यालय स्वास्थ्य संस्थान आदि जैसे संस्थानों में लगवाकर यह संदेश जनमानस में दे रहे हैं कि हम पानी के बिना अपने दैनिक जीवन का नेतृत्व नहीं कर सकते तथा जल के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आपके इस प्रयास का उत्कृष्ट फल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बारू औरंगाबाद को भी प्राप्त हुआ है। इस उत्तम कार्य हेतु हमारा विद्यालय परिवार आपका हृदय तल से आभार प्रकट करता है तथा आपके उज्जवल भविष्य उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु होने की कामना करता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन पत्र भेंट करते हुए सरकार।